सर मैं इमरान खान की मुहब्बत च आया वहाँ और मैं पाकिस्तानी कौम नू दसना चाहना कि यह जो पाकिस्तान का जजीदी ग्रुप है ना इन्हों एक साल हो गया इन्होंने हुकूमत जदों की इन्होंने जड़े ना वोट खरीद के उस तो बाद नौसरबाजी हुकूमत लैके आए ने और इन्होंने कोई काम चंगा नहीं किया जदों के आए ने पाकिस्तानी कौम से सिर्फ जुल्म किया है। ये कैप पहना हुआ है हाथ में ग्लव्स और ये कहाँ से आप में ये सर मैं इमरान खान साहब की मुहब्बत दे सारा गैटअप बनाया है गैटअप सारा मैं उन्हों की मुहब्बत के बनाया है तो उन्हों की मुहब्बत के आना लेकिन चलो मैं खान साहब का एक बहुत ही अच्छा काम दसना चाहना क्योंकि मैं देखा है कि बड़े बड़े मैं आशक देखे ने कि जेडे ना बलेटा के नाल अपन बाहवों के ना लिख लेंगे ने लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी माँ की मुहब्बत के तीन हस्पताल बनाए जोड़ा पहला हस्पताल बनाया अपनी माँ की मुहब्बत के लाहौर के ना रखे शौकत खानम फिर उस तो बाद उन्होंने दूसरा हस्पताल बनाया पेशावर के भी ना उन्होंने शौकत खानम हस्पताल रखिया फिर उन्होंने हस्पताल बनाया कराची के भी ना शौकत खानम रखिया मैं देखा कैंसर के बहुत ही व्डे हस्पताल इमरान खान साहब ने अपनी माँ की मुहब्बत बनाए और माँ का ही ना लिख दिता उन्होंने मैं देखा कि पूरी दुनिया के जिन्हें भी अच्छे लोग होए ने इस कायनात को मैं चैलेंज करना कि इन्ना अच्छा तुहानू कोई इंसान लभ नहीं सकता जिन्हें माँ की मुहब्बत दे विच तीन हस्पताल बनाए ने इस तरह का इंसान अच्छा तुहानू कभी भी नहीं लभेगा। अच्छा बस आप ये दसो कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे सर इलेक्शन जेडे है ना मैं देखा है मैं फिर दोबारा फिर तुसी ओही सवाल कर लिया ए जदों दे चोर आए ने ना इन्होंने चोरियां डाके कतल और उस तो बाद लासू गैस से लाठीचार जुलम किया इन्होंने इमरान खान साहब 100 दे विचों 90% सीटा जित जाएंगे और सानू चोर गिरदारा मिक्स सीटा जिहड़ियां ना 10% पटवारी कहते लाहौर जो चोर का किला है लेकिन मैं देखा कि इमरान खान साहब इन्होंने किले के अंदर आ गए बह गए ने और मैं देखा नवाज अजीज की हिक के उत्ते उन्होंने किला ठोकता ओ पटवारी ओ चोरो ओ अगर किला पुट सकते हो ना तो पुट के लो। अच्छा मेरे हैं मुखालिफ जो है पीटीआई के वो कहते हैं कि पीटीआई वाले बदतमीजी करते हैं और सख्त बातें जो सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सर मसला है कि देखो असी बिल्कुल लैंग्वेज सख्त जी इन्होंने जुलम करके साढ़े की हूँ सू बिल्कुल इन्ह चोर गिरदारा का सू डर नहीं लगता जिले शाह मेरा एक दोस्त से मैं देखा कि जिडी बेदर्दी के नाल इन्होंने उन्होंने शहीद किया उस तो बाद जरा ना असी जरा ना सा जिंदा रहन तो बिल्कुल दिल नहीं करता असी कहने कि असी जरा ना देखो मैं हजरत इमाम हुसैन का सिपाही हाँ और जजीदी ग्रुप है ना जरा सारा ही है मैं उन्होंने नाल जंग लड़ रहा और उस तो बाद मैं पता है कि मैं जिस रस्ते से चल रहा ना यह रस्ता दुनिया की सब तो मुश्किल इबादत है और इस रस्ते दे जेडे जिन्ने भी लोग साढ़े पहले चार लोग साढ़े शहीद हो जरा ना हो चुके हैं और मैं पता है कि अगर मैनू भी इन्होंने लोगों ने गिरफ्तार कर लिया तो हो सकता मैनू भी जरा शहीद कर दे और मैं जरा ना बिल्कुल नहीं डर लगता इन्होंने को और मेरा अपना दिल भी करता है कि अल्लाह तला बेहतरी ये करे कि मैं जंग लड़ रहा हुआ हुसैनियत से और जजीदी ग्रुप जरा ना मैं जरा ना आड से मैं शहादत की मौत मिले। चल चले ठीक है एक्शन कर दो बहुत जबरदस्त है जी हम ईद की नमाज जो है वो इंशाल्लाह खान साहब के साथ पढ़ेंगे यहाँ पे जमान पार्क में और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उनके साथ ईद मनाएंगे पूरी ईद ना सिर्फ मैं हमारे जो वर्कर्स हैं हमारे जो हलके से और जो लोग आप देख रहे हैं सिर्फ ये ही नहीं और भी लोग बल्कि शौक से ईद मनाने यहाँ पे आएंगे क्योंकि ईद तो यार के साथ होती है और खान से बड़ा आवाम का यार कोई नहीं है इस वजह से ईद हम खान साहब के साथ मनाएंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे इंशाअल्लाह तकरीबन को 3 महीने से ऊपर होने वाले हैं इंशाअल्लाह यहाँ पे रुके हुए हैं और खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि ईद सर पे आप घर पे करेंगे यहाँ पे करेंगे बड़ी ईदें हमने घर पे की हैं ये जो ईद हम अपने कायद के साथ करेंगे और अपने कायद के फास के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर हमने स्टॉल भी लगाया हुआ है पराठों का नाश्ता दे रहे हैं सुबह ठीक है और हमारे ये बंदे आपके पीछे नज़र आ रहे हैं 50 बंदे हैं इंशाअल्लाह रोज़ाना 50 बंदे हमारे होते हैं। हाँ जी अंडा पराठा और चाय सारी के वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम भाइयों को जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ
और जैसे कि आपने कहा कि ईद हम घर करेंगे यहाँ इधर जमान पार्क में, ये भी हमारा घर है, जमान पार्क भी हमारा घर है, हमारा लीडर है। तो इंशाल्लाह ताला हम बल्कि ख़ुद भी ईद इधर करेंगे, हम दीगर जो अपने भाई दोस्त अपने सारे हलका अहबाब सबको इधर लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला पूरे तरीके से खान साहब के साथ सेलिब्रेट करेंगे अपना ईद और इंशाल्लाह ताला खान साहब को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा तो चूँकि ताल्लुक ही लाहौर से है तो ज़ाहिर बात है हम जमान पार्क में ईद गुजारेंगे। गुजारिश ये है कि हम तकरीबन 4 माह से यहाँ पर कैंप लगा के बैठे हुए हैं, खान साहब के टाइगर हैं और खान साहब के हुक्म के मुताबिक जो है ना वो हम जो खान साहब के इंस्ट्रक्शन आते हैं हम उसके मुताबिक ही करते हैं। हमारी ये जद्दोजहद जो है ये इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी के लिए है, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हकीकी मानों में जमहूरी जो आज़ादी है वो लोगों को मिले और लोग वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब करें, बजाय कि ये निगरान हुकूमत जो आके बैठी हुई है और अब तो इसका टाइम भी गुजर गया है। अगर आप कानूनी तौर पर देखें 90 दिन से ज़्यादा हो गया इसे, तो इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था और कानून जो है इस मामले में बड़ा वाजह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है ये हरदर्मी करके बैठी हुई है। रहमान रहीम जी, बिल्कुल ईद उल फितर सर पे है और ईद हम यहाँ पे अपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के साथ गुजारेंगे जो पहले, अब ये हमारे लिए ज़रा आसानी होगी है खान साहब के इस जश्न की वजह से, इस हिफाजती कैंप्स की वजह से, कि पहले हमें सारों को उनके घरों पे जाके ईद मिलना पड़ता था ना, अब सबको हम यहीं पे बुलाएंगे, यहाँ पे ईद मिलन पार्टी होगी, यहाँ पे चांद रात को सब दोस्तों के साथ यहाँ पे इकट्ठे होंगे, ईद का दिन भी इधर होगा, ईद का अगला दिन भी इधर होगा, हम इंशाल्लाह यहीं पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम कारकुन और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को चाहने वाले तमाम लोग, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो रोज़ बिलानगर यहाँ पे आते हैं, सहरी का इंतज़ाम करते हैं, इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, हम सब अपनी आवाम के साथ, अपने कारकुनान के साथ, अपनी यूथ के साथ हम यहीं पे इंशाल्लाह वक्त गुजारेंगे ईद पे सारा।